हम अभी तक राउटिंग में ही हैं और राउटिंग से हम आगे नहीं गए, तो आज जो हमने राउटिंग का पार्ट करना है वो रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 हमें डेटा फेचिंग की फैसिलिटी भी देता है। डेटा फेचिंग क्या होती है कि इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग द डेटा फ्रॉम द लोकल फाइल, ये रियलिस्टिक केस सिनेरियो नहीं है कि आप लोकल फाइल में डेटा रखें और वहाँ से उठा उठा के रेंडर करते फिरें, तो ये तो जस्ट यूआई में सिमुलेशन के लिए देखने के लिए इनफ है, गुड है, लेकिन एक्चुअली ये यूज़ केस प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल यूज़ केस क्या है कि जब भी मैं इस होम कंपोनेंट को रेंडर करूं या होम कंपोनेंट माउंट हो, माउंट होने का मतलब यूआई में रेंडर हो, सिंपल ये समझ लें, जब माउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, तो तब मेरे के सारे प्रोडक्ट कहाँ से आएँ? रिमोट एपीआई से आएँ। रिमोट एपीआई से मतलब रिमोट सर्वर से ये प्रोडक्ट लोड हो गए हैं, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गेटिंग लोडेड फ्रॉम द लोकल फाइल। तो आप सबको दो चीज़ें समझना ज़रूरी हैं, जितनी भी वेब एप्लीकेशंस होती हैं ना, उनमें क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन हो रही होती है। क्लाइंट का मतलब आपका ये ब्राउज़र है या जो भी डिवाइस आपके सर्वर को हिट कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट बोलते हैं। इस केस में हमारा क्लाउड क्लाइंट कौन सा है? क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र हमारा क्लाइंट है, और जहाँ से डेटा आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल डेटा किसी थर्ड पार्टी सर्वर पर होस्टेड है या हमारा अपना वर्चुअल सर्वर कहीं है उस पर डेटा होस्टेड है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी यूआई को दुनिया में जो भी बंदा एक्सेस करे उसको डेटा कहाँ से मिले? सर्वर से मिले। जस्ट लाइक दिस, आप ये देख रहे हैं 33 डिग्री सेंटीग्रेड सनी, ये वेदर अपडेट आ रही है। व्हाट डू यू से? हमारे सिस्टम में तो कोई सेंसर नहीं है, यहाँ तो कोई अपडेट नहीं है, तो इसका मतलब है सिस्टम में एक यूटिलिटी एप्लीकेशन छोटी सी लिखी है जो हर फ्रीक्वेंट यानी हर एक खास इंटरवल के बाद रिक्वेस्ट भेजती है किसको? सर्वर को, जिस सर्वर के साथ ये लिंक्ड है, वहाँ से वेदर की अपडेट्स लाती है और आपके सिस्टम में यहाँ पर डिस्प्ले करती है। तो इट्स काइंड ऑफ अ विजिट जो कि कॉन्स्टेंटली हर एक सेट इंटरवल इन्होंने डिफाइन किया होता है कि 10 मिनट बाद ये अपडेट करे वेदर को, 15 मिनट बाद करे, 5 मिनट बाद करे, तो हर 5 या 10 मिनट बाद जितना भी इंटरवल सेट होता है सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जाती है और सर्वर से डाटा लेके आती है और यहाँ पे डिस्प्ले होता है, तो आपको लगता है कि ये वेदर जो है वो अप टू डेट है। तो ये एक जस्ट एन एपीआई एग्जांपल है। हमने जो अब तक काम किया था वो हमने ये किया जी कि हम ऐप कंपोनेंट में आए और हमने ऐप कंपोनेंट में प्रोडक्ट्स को लोड किया और ये प्रोडक्ट्स हमारी इसी लोकल फाइल में पड़े हुए हैं और फिर इनको प्रॉप्स पास कर रहे हैं और फिर आगे सारा काम इसी की बेस पे चल रहा है। ठीक, तो इसका मतलब है अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम यहाँ पे नहीं लोड करेंगे बल्कि ये कहाँ से लाएंगे? हम सर्वर से लाएंगे। दैट्स द फर्स्ट एक्शन। सर्वर से लाने के लिए मैं दो दो टेक्निक्स बताऊंगा आपको, बल्कि दो तीन कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे यहाँ पे यूज़ होंगे, तो इसलिए ज़रा वो सीट बेल्ट बांध लें। पहली चीज़ तो ये है कि मैंने आपको प्रोमिसज बताया हुआ क्या होते हैं और प्रोमिस क्यों होते हैं और कब यूज़ होते हैं। उससे भी पहले मैंने आपको एक कॉल बैक की कन्वेंशन बताई थी। परेशान क्यों हो रही हो? वो जब इवेंट इवेंट लूप बताया था और इवेंट लूप में सेट टाइम आउट बताया था और पूरे उसको मैंने कहा था कि जब प्रॉमिस होगा तो माइक्रो क्यू में जाएगा, ठीक है, और जब कोई कॉल बैक होगा तो वो मैक्रो टास्क क्यू में जाएगा, तो परेशान क्यों हो रही हो? बताया नहीं था लेकिन अभी रिवाइज होगा। उस वक्त भी मैंने उसकी कंप्लीट आर्किटेक्चर बता दिया था कि प्रोमिसज होते क्या और काम कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल कोई चीज़ करके नहीं दिखाई थी। तो अब मैं प्रैक्टिकली वो प्रोमिसज को यूज़ करूंगा तो आपको खुद ब खुद वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और बाय द वे जो मैंने सिमुलेशन आपको बताई थी ना विजुअल जेएस विजुअलाइजर, उसमें तो प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाई थी आपने, नहीं देखा था? कंसोल लॉग ए, कंसोल लॉग बी, एक प्रॉमिस से गुजर के आता था, एक बगैर प्रॉमिस के आता था, तो वो सारा विजुअलाइजेशन तो आपके जहन में है, उसको रिकॉल करें या पिछली वीडियो में जाके देख लें। आज उसको प्रैक्टिकल यूज़ केस या प्रैक्टिकल सिनेरियो में यूज़ करके बताऊँगा। तो बुनियादी तौर पे हम प्रॉमिसज यूज़ कब करते हैं? कोई बंदा वॉलंटेरली मुझे हिंट दे दे, प्रॉमिसज को क्यों यूज़ करते हैं या ज़रूरत क्यों पेश आती है? उस पूरी डिस्क्रिप्शन को सामने रख के जवाब दें। नहीं, इसको प्रॉपर लफ्ज़ के साथ बोले ना, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, लेट सपोज कि जी वाई डू वी यूज़ प्रोमिसज और वाई डू वी नीड प्रोमिसज इन जावास्क्रिप्ट, देन वट वुड बी योर आंसर? ठीक है, आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, बल्कि जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो आपने एक में से एक ने भी नहीं बताया। मैं प्रॉपर लफ्ज़ यूज़ कर दे भाई, ठीक बोल रहा है, डिस्क्रिप्शन तीनों ठीक बोल रहे हो, प्रॉपर लफ्ज़। हाँ, एसिंक्रोनस। प्रॉपर लफ्ज़ क्या है? सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का मतलब आपको पता है कि अगर एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हों तो दे माइट कॉस्ट अस, कि अगर एक फंक्शन ने 10 सेकंड लिया है तो अगला फंक्शन कॉल जो है उसको बेशक 1 सेकंड चाहिए लेकिन वो पहले 10 सेकंड इंतजार करेगा जी, पिछला अपनी एग्जीक्यूशन खत्म करेगा तो मैं चलूंगा। तो इन दैट केस
क्या होना चाहिए, एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। अब जरा अज्यूम करें कि ये थोड़ी देर के लिए दिमाग के एक पोर्शन पे ये बात रख लें जो मैंने अभी बात की है, और दूसरे पोर्शन पे ये रख लें जरा, मैंने ये जो प्रोडक्ट्स लिए ना, ये मैंने लिए हैं फेक स्टोर एपीआई से, ये एक ऑनलाइन एपीआई बनी हुई है, और मैंने वहाँ से ये प्रोडक्ट्स हार्ड यानी कॉपी करके अपनी लोकल फाइल में पेस्ट करके रख लिए। तो यानी अभी जो मैं अपनी एप्लीकेशन में प्रोडक्ट्स रेंडर कर रहा हूँ, ये नेटवर्क से या किसी सर्वर से नहीं लोड हो रहे, बल्कि मेरी अपनी लोकल फाइल से लोड हो रहे हैं। अब मैं इसको उलट करने लगा हूँ, मैं लोकल फाइल को डिलीट करने लगा हूँ, और ये सारे प्रोडक्ट्स कहाँ से लोड करूँगा, सर्वर से लोड करूँगा। उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ तरीके हैं। पहला मैनुअल तरीका बताऊँगा और फिर रिएक्ट राउटर डॉम वाला तरीका बताऊँगा। तो इफ़ आई कम हेयर एंड इफ़ आई कम हेयर ऑल द वे, तो मुझे यहाँ पे ये मिलते हैं प्रोडक्ट्स, और ये मेरा है एंड पॉइंट। अच्छा, नॉर्मली एक टर्म यूज़ होती है एंड पॉइंट एपीआई के कॉन्टेक्स्ट में। एपीआई क्या होती है, पता है किसी को, ये कोई डेफिनेशन बता सकते हैं? एप्लीकेशन नहीं, मैं एब्रीवेशन नहीं पूछ रहा, मतलब व्हाट इज़ एन एपीआई? यस, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एप्लीकेशंस की आपस में जो कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू होती है, नॉर्मली एपीआई के थ्रू होती है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मेरी एक एप्लीकेशन है ना, इसके अंदर एक छोटा सा विजेट लिखा हुआ है, तो ये विजेट वेदर का कम्युनिकेट कर रहा है किसके साथ, कोई और एप्लीकेशन जो सर्वर पर पड़ी हुई है उसके साथ कम्युनिकेट करके ये क्या कर रहे हैं, आपस में डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं। सॉरी, विजेट क्या होता है? अ स्मॉल पीस ऑफ फंक्शनैलिटी को आप विजेट बोल सकते हैं। जैसे मिसाल देता हूँ कि आपके ये जो है ना, ये एक स्मॉल पीस ऑफ फंक्शनैलिटी, ये एक कार्ड सिर्फ आपको क्या दे रहा है, वेदर की अपडेट्स दे रहा है। इट्स अ स्मॉल पीस ऑफ फंक्शनैलिटी, आप इसको विजेट बोल सकते हैं। ये क्या है, ये इंटरनेशनल न्यूज़ दे रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स अनलिमिटेड न्यूज़। तो ये न्यूज़ आपके लोकल सिस्टम में तो नहीं है ना, ये भी एक अलग विजेट है जिसकी फंक्शनैलिटी वेदर के फंक्शनैलिटी से कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये खुद से एक कंप्लीट फंक्शनैलिटी है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक छोटी सी सब एप्लीकेशन बोल दें, इट्स अ विजेट। फिर आप ये देखें नीचे, ये क्या है, ये आपको इंटरनेशनल गेमिंग की इंफॉर्मेशन देता है, कौन सी गेम हिट पे जा रही है, कौन सी गेम में कौन सा प्लेयर टॉपर है, समथिंग लाइक, ये पूरी दुनिया। ये क्या है, ये एक और विजेट है। तो इसका मतलब यह है कि आपके बहुत सारे विजेट्स, सब एप्लीकेशन, स्मॉल एप्लीकेशन आर इंटीग्रेटेड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ये इसी तरह देख लें, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, डिफरेंट विजेट्स हो सकते हैं। तो ये विजेट इज अ पीस ऑफ फंक्शनैलिटी, यूं कह लो, समझ आ गई ये बात? अच्छा, तो मैं बता रहा था जी कि व्हाट इज एन एपीआई। एपीआई इज अ वे फॉर टू और मोर देन टू एप्लीकेशंस थ्रू विच दे एक्सचेंज डेटा, या यूं समझ लें, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो कम्युनिकेशन का मतलब यही है ना कि डेटा एक्सचेंज हो रहा है। तो एपीआई एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए दो या दो से ज़्यादा एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट करती हैं या डेटा एक्सचेंज करती हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये डेटा एक्सचेंज किस फॉर्मेट में करती हैं, किस प्रोटोकॉल में करती हैं। मैं और आप अगर गुफ्तगू करें तो हम किसी प्रोटोकॉल के तहत गुफ्तगू करते हैं ना। मैं अगर पश्तो बोलना शुरू कर दूँ, आप में से कोई बंदा पश्तो ना जानता हो, डज इट मेक सेंस कि हम उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे? प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, कि मैं उस लैंग्वेज में गुफ्तगू करूँ जो मुझे और आपको इक्वली अंडरस्टैंडेबल हो। तो इसका मतलब है हम एक सेट प्रोटोकॉल के तहत बातचीत कर रहे हैं। सिमिलरली, जब दो या दो से ज़्यादा एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट करेंगी, तो वो किसी न किसी प्रोटोकॉल को, प्रोटोकॉल क्या होता है बेसिकली, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट्स इट। जैसे HTTPS एक प्रोटोकॉल है, HTTP एक प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस थ्रू विच कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारा प्रोटोकॉल क्या है, एक तो हम मजहब तरीके से बात करेंगे, कोई गैर अखलाकी बात क्लास के दौरान नहीं करेंगे, ये प्रोटोकॉल है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। दूसरा, हम ऐसी जुबान में बात करेंगे जो आपके लिए भी समझ आए, मुझे भी समझ आए कन्वीनियंटली, और बहुत सारे और भी हैं, ठीक है। तो इसी तरह API इज अ वे थ्रू विच टू और मोर देन टू एप्लीकेशंस कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे एक्सचेंज द डेटा विद ईच अदर। तो वो एक डेटा जो एक्सचेंज करेंगी वो किस फॉर्मेट में करेंगी, JSON इज अ स्टैंडर्ड वे। मैंने कहा था दो तरीके हैं, एक SOAP है और एक JSON है। तो SOAP तो हम पढ़ नहीं रहे, वो API का तरीका है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल और समथिंग, वो SOAP का एब्रीविएशन है। बहरहाल, तो वो जो प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे APIs की कम्युनिकेशन का, वो कौन सा है, JSON है। ये बात समझ आ गई है। अब मुझे क्लाइंट पे रहते हुए सर्वर से कोई स्पेसिफिक डेटा गेट करना है, तो मुझे दो चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ तो मुझे सर्वर का एड्रेस चाहिए। आई थिंक
आई कैन एक्चुअली ड्रॉ अ डायग्राम सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू. मेरे पास क्लाइंट पे रहते हुए, दिस इज द क्लाइंट, और मैंने कहा क्लाइंट वो मशीन या वो नोड है जिसके जरिए आप सर्वर को क्या करते हैं, हिट करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं. मेरे पास एक क्लाइंट है और ये मेरे पास एक सर्वर है. तो आपको क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे पहली चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो सर्वर का एड्रेस होता है, क्योंकि दुनिया में हज़ारों सर्वर है. तो आपने किस सर्वर के साथ कनेक्ट होना है उसके लिए आपको क्या चाहिए, उस सर्वर का एड्रेस. तो जो नेटवर्क एड्रेसेस होते हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आईपी, जैसे 126.8.8.9. तो ये आईपी एड्रेस होता है. ये नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर होते हैं हर एक का एक आईपी एड्रेस यूनिक होता है, जिस आईपी एड्रेस से वो सर्वर्स क्या किए जाते हैं, पहचाने जाते हैं. अब आपको पता है कि ये जो आईपी एड्रेसेस हैं ये मेमोराइज करना बहुत मुश्किल होते हैं. तो एक टर्म होती है नेटवर्क की, ये थोड़ी सी नेटवर्किंग की टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है. सर आप बैठेंगे ताकि आपको बेसिकली ये जितनी भी प्रैक्टिकल चीज़ें उनको समझने के लिए ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आपको समझना ज़रूरी है. तो चूंकि पूरी की पूरी वेब पे जब भी हम किसी वेबसाइट का एड्रेस ओपन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, www.google.com, www.facebook.com, एक्चुअली ये facebook.com कुछ नहीं है, असल चीज़ facebook.com के पीछे एसोसिएटेड ये आईपी एड्रेस है. google.com कुछ नहीं है, google.com के पीछे एसोसिएटेड ये आईपी एड्रेस है. तो एक चीज होती है नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में, हम कहते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम्स. ये क्या करती है, ये आपके इन तमाम आईपी एड्रेसेस को यूजर रीडेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करती है. इंटर कन्वर्जन होती रहती है कि आप जो नॉर्मली एड्रेस लिखते हैं बिहाइंड द सीन वो किस में कन्वर्ट होता है, आईपी में, और जो नेटवर्क पे कम्युनिकेशन होती है वो आईपी के थ्रू होती है. समझ आ गई बात. तो एनीवेज मैंने कहा क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि इनका आपस में लिंक इस्टेब्लिश हो. लिंक कैसे इस्टेब्लिश होगा, जब क्लाइंट के पास सर्वर का एड्रेस होगा. एड्रेस किस फॉर्म में होगा, आईपी की फॉर्म में होगा. आईपी चूंकि रीडेबल नहीं होती, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, तो आईपी को नॉर्मली क्या लिखा जाता है, यूज़र रीडेबल फॉर्म में लिखा जाता है. अब आप याद रखिएगा जब भी आप कहीं ये वाला एड्रेस देखें ना 127.0.0.1, ये जो एड्रेस है, यानी मैंने आपको कहा कि नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उन सारों का कोई ना कोई यूनिक आईपी एड्रेस होगा. तो ये आईपी एड्रेस मखसूस है किसके लिए, आपके अपने लोकल सिस्टम के लिए. यानी हर सिस्टम को अपने आप को अगर एड्रेस के तौर पे एक्सेस करना हो तो वो क्या होगा, 127.0.0.1. तो इसको अगर वर्ड्स में मेंशन करें तो ये क्या कहलाता है, लोकल होस्ट. यानी जब आपका अपना कंप्यूटर सर्वर बन जाता है तो आप उसे लोकल होस्ट कह के पुकारते हैं. असल में इस लोकल होस्ट के पीछे क्या होता है, और यही कन्वेंशन सबके लिए. समझ आ गई बात. तो अब इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइंट जब सर्वर से बात करेगा तो सबसे पहली चीज उसे क्या चाहिए, आईपी एड्रेस. अब इस एक सर्वर के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हो सकती हैं, बहुत सारे फोल्डर्स हो सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं. ऐसे ही है, मुझे इस सर्वर तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए. और उस सर्वर के अंदर किसी एक स्पेसिफिक रिसोर्स तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, उसका पाथ. क्या चाहिए उसका, जैसे विंडो के ई ड्राइव के अंदर पड़े हुए, एबीसी के अंदर पड़े हुए, एक्स वाई जी के फोल्डर में जाना है तो क्या चाहिए होगा आपको, पहले सी ड्राइव, फिर स्लैश करके एबीसी फोल्डर, फिर स्लैश करके एक्स वाई जी फोल्डर. तो आप क्या कर रहे हैं, सी ड्राइव तक तो पहुंच गए हैं, आगे स्लैश करके क्या कर रहे हैं, उसके किसी पर्टिकुलर सेगमेंट तक पहुंच रहे हैं. यही काम है सर्वर में. सर्वर तक पहुंचने के लिए आपके पास आईपी एड्रेस है, स्लैश के बाद आप क्या लिखेंगे, जैसे ये लिख रहे हैं स्लैश प्रोडक्ट. तो आप उस सर्वर के अंदर अगर मल्टीपल चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आप किस चीज़ तक पहुंच रहे हैं, उस एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करके किसी एक रिसोर्स तक पहुंच रहे हैं. तो ये जो पूरी की पूरी चीज़ लिखी हुई है ना, इसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट. क्या बोलते हैं, वो पॉइंट वो पाथ जहां पे वो रिसोर्स पड़ा हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए जो पूरा पाथ है उसे हम बोलते हैं एपीआई एंड पॉइंट. क्या बोलते हैं, एपीआई एंड पॉइंट. अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो ये जो पहला पार्ट है ये क्या है, उस सर्वर का एड्रेस है, fakestoreapi.com. ये बिहाइंड द सीन किस में कन्वर्ट हुआ होगा, किसी आईपी में. और इसके बाद स्लैश के साथ इस सर्वर के अंदर पड़े हुए जितने भी रिसोर्सेज हैं मैंने किसी एक को एक्सेस करना है, दैट इन दिस केस इज प्रोडक्ट. तो अब जो एपीआई एंड पॉइंट्स होंगे ना वो हमेशा इसी फॉर्म में होंगे. ये जो स्टार्ट वाला एड्रेस है वो सेम रहेगा,
और स्लैश के बाद चेंज होगा, स्लैश प्रोडक्ट। अब मैं आपको बताता हूं कितने एंड पॉइंट्स हैं इसके, ये समझ आ गई बात आपको। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन किसके थ्रू करेंगे हम, एपीआई के थ्रू। एपीआई को समझने के लिए जरूरी है कि एपीआई का मतलब है कि आप सर्वर से डाटा मंगा रहे हैं या सर्वर को डाटा भेज रहे हैं, या सर्वर पे डाटा अपडेट कर रहे हैं या सर्वर से डाटा डिलीट कर रहे हैं, ये सारी कम्युनिकेशन है। तो इन कामों के लिए आपको क्या चाहिए, पहला तो सर्वर का एड्रेस चाहिए। सर्वर का एड्रेस मिल गया तो सर्वर, ये यूं समझ लें कि आपको सदर पहुंचने के लिए पहले तो बिल्डिंग का एड्रेस चाहिए। बिल्डिंग का एड्रेस मिल गया, बिल्डिंग के अंदर आ गए तो आपको अगला क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर रूम का एड्रेस चाहिए कि आप ठीक है बिल्डिंग में तो आ गए, अब आपने किस रूम में जाना है। तो ये इट्स जस्ट लाइक दैट, यहाँ तक जो है ये आपने सर्वर तक पहुँचना है और यहाँ से आगे क्या है उस सर्वर के अंदर किस पर्टिकुलर फोल्डर में या किस पर्टिकुलर स्पेस में जाना है। और इस पूरे को मिलाएं तो क्या बनता है, एपीआई एंड पॉइंट। क्या बोलता है, एपीआई एंड पॉइंट। मेक सेंस? तो अब मैं बार बार एक ही लफ्ज बोलूंगा, एपीआई एंड पॉइंट, एपीआई एंड पॉइंट, एपीआई एंड पॉइंट, एपीआई एंड पॉइंट, आपको समझ आना चाहिए। अब जरा देखें ये जो फेक स्टोर एपीआई है इसके कितने एंड पॉइंट्स हैं, जरा यहां देखें, ये देख रहे हैं स्लैश प्रोडक्ट्स, इसने सिर्फ स्लैश प्रोडक्ट्स दिया हुआ, क्यों, क्योंकि इसको पता है कि इसका रूट एड्रेस सेम रहेगा। जरा देखें फेक स्टोर एपीआई डॉट कॉम स्लैश, तो ये क्या है, एक एंड पॉइंट। दूसरा देखें ये क्या लिखा हुआ है, स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश वन, ये क्या है, दूसरा एंड पॉइंट। ये लिखा हुआ है जी स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश कैटेगरीज, ये क्या है, तीसरा एंड पॉइंट। मेकिंग सेंस आर नॉट? इसके बाद आप यहां आए तो स्लैश प्रोडक्ट स्लैश कैटेगरी स्लैश ज्वेलरी, ये क्या है, चौथा एंड पॉइंट। तो एम आई मेकिंग माई सेंस, कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर एपीआई को टारगेट कर रहे होते हैं तो इस एक एपीआई के बहुत सारे क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी एक रिसोर्स के अगेंस्ट। अब रिसोर्स क्या है, एक पर्टिकुलर एंटिटी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, उस एंटिटी को हम क्या कहते हैं, एक रिसोर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट एक रिसोर्स है, यूजर एक रिसोर्स है, कैटेगरी एक रिसोर्स है। तो समझ गए रिसोर्स क्या होता है। तो सर्वर्स पे डिफरेंट रिसोर्सेज पड़े होते हैं, हर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड पॉइंट। ये सारी कन्वेंशन समझ आ गई है थ्योरेटिकली। अब जरा यहां पे आए और अब जरा यहां पे देखें, ये हमारा एक एंड पॉइंट है जो किस रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को। अगर मैं इसको यहां से कॉपी करूं और यहां पे आके इंस्पेक्ट में जाऊं, अब जरा गौर से सुनिएगा जो प्रोमिसेस वाली कहानी मैंने आपको समझाई हुई। मैंने कहा था ना शुरू में कि आप प्रोमिसेस को अपने दिमाग के कोने में सेव कर लें और दूसरे कोने में ये सेव कर लें। अब इन दोनों डॉट्स को क्या करने लगा हूं, कनेक्ट करने लगा हूं, वो पता ना कनेक्टिंग द डॉट्स। तो मैंने एक चीज अलग से समझाई आपको प्रोमिसेस क्या होते हैं और दूसरी चीज एपीआई की सारी कहानी अलग से समझाई। नाउ इट्स टाइम टू कनेक्ट द डॉट्स। तो मैं यहां पर आया कंसोल में, ब्राउजर की एक बिल्ट इन एपीआई है। आपने देखा होगा कि जब मैंने वो पूरा आर्किटेक्चर नोड जेएस आर्किटेक्चर समझाया था तो मैंने उस आर्किटेक्चर में एक वेब एपीआई या ब्राउजर एपीआई वाला खाना बनाया था जिसमें सेट टाइम आउट जाता है और कोई भी कॉल जो एसिंक्रोनस होती है वो किधर जाती है, वेब एपीआई के पास जाती है। ठीक है, तो वेब एपीआई का एक बिल्ट इन वेब एपीआई है, या यूं समझ लें कि जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम कहते हैं फेच, एफ ई टी सी एच, फेच। तो वैसे अंग्रेजी में फेच का मतलब क्या होता है, लाना। तो इस फेच, ये बिल्ट इन फंक्शन है और ये एटलीस्ट एक पैरामीटर लेता है और एक पैरामीटर वो एंड पॉइंट लेता है जहां से आप कुछ फेच करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, कुछ फेच करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी फेच, अगेन फेच क्या है, वेब एपीआई है, या यूं समझने के बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। ये एक पैरामीटर लेता है क्या, एपीआई एंड पॉइंट, और करता क्या है, उस एपीआई एंड पॉइंट पे पड़ा हुआ डेटा उठा के लाता है। मेकिंग सेंस? चले, तो अब मैं अगर हिट करूंगा एंटर तो इसने मुझे क्या रिजल्ट दिया, प्रॉमिस। आपको पता है प्रॉमिस क्या होता है। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा, इसने मुझे प्रॉमिस क्यों दिया और प्रॉमिस हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं, ये पहले आप डॉट नंबर वन। प्रॉमिस कब यूज करते हैं, जब हमें कोई एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। प्रॉमिस कब यूज करते हैं, जब हमें कोई एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है।
और एसिंक्रोनस ऑपरेशन कौन सा होता है या किस ऑपरेशन को हम एसिंक्रोनस बनाते हैं जो ज्यादा टाइम ले सकता है, जिसके बारे में हमें डाउट हो गया, जो ज्यादा टाइम ले सकता है। अब मुझे बताएं कि मैं कॉल किसको कर रहा हूं, एपीआई को, यानी मैं थर्ड पार्टी एक और सर्वर से डाटा मंगवा रहा हूं। क्या आपको या मुझे एडवांस पता है कि वो सर्वर डाटा भेजने में कितना टाइम ले सकता है? नहीं ना पता। तो क्या मैं इस ऑपरेशन को अगर सिंक्रोनस रखूं तो मे बी सर्वर स्लो हो, सर्वर डाउन हो, या कोई और रीजन हो, सर्वर टाइम ले रहा हो, तो अगर 10 सेकंड तक सर्वर रिस्पॉन्ड ना करे तो हमारी बाकी की सारी एप्लीकेशन क्या रहेगी? हॉल्ट रहेगी। तो ऐसे सिनेरियो में यहां सिंक्रोनस ऑपरेशन होना चाहिए या एसिंक्रोनस होना चाहिए? एसिंक्रोनस होना चाहिए ना, ताकि जो रिमेनिंग एप्लीकेशन है वो एग्जीक्यूट होती रहे, वो जो एक पर्टिकुलर कॉल नेटवर्क पे गई हुई है उस नेटवर्क की कॉल को उठाओ और वेब एपीआई पे रखो और उसे एग्जीक्यूट करते रहो। इन द मीन टाइम आप मेन थ्रेड को चलाते रहो। जो ही नेटवर्क से कॉल होके वापस कहां आएगी? वापस कहां आएगी भाई? जावास्क्रिप्ट के आर्किटेक्चर का सवाल है। आर्किटेक्चर में क्या होता है कि नॉर्मल कॉल स्टैक व्यू में फंक्शन कॉल्स आती हैं, कॉल स्टैक क्यू में। उस फंक्शन कॉल स्टैक क्यू में जो एसिंक्रोनस फंक्शन होता है वो कॉल स्टैक से बाहर निकल जाता है। कहां जाता है? वेब एपीआई में जाता है। वहां वो अपनी एग्जीक्यूशन करता रहता है। जो ही उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है तो वापस कहां आता है? टास्क क्यू में। अब टास्क क्यू दो है, ये भूल गए ना आप, मैंने उस वक्त कहा था कि अभी मुझसे ना समझाइए आर्किटेक्चर, जब वक्त आएगा बताऊंगा, आपने कहा था नहीं अभी बताएं। तो अब जरा दोबारा, तो वो सारा लेक्चर रिपीट करना मुश्किल है ना, क्योंकि अब जाहिर है पूरा घंटा लग जाएगा उस पर, तो मैं सिर्फ विजुअलाइज करके बता रहा हूं। पहली चीज बेटा, मुझे फेच जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, मैंने आपको ये करके दिखा दिया, इसने मुझे क्या रिटर्न किया? प्रॉमिस रिटर्न किया। अब पहले मुझे ये बताएं कि प्रॉमिस की स्टेट्स कितनी होती हैं? दो स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी? अगर आप मुझे इस बात के जवाब दे दें, या आज का टॉपिक आपको बहुत समझ अच्छा समझ आएगा और बहुत मजा आएगा आपको जावास्क्रिप्ट में कोड करते हुए। तीन होती, पेंडिंग, फुलफिल्ड होती है। देखिए मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कल क्लास लूंगा, ठीक है? अब कल क्लास का वक्त आने तक मेरा प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में है, क्योंकि प्रॉमिस का वक्त ही नहीं आया अभी, ठीक है? तो पहली स्टेट प्रॉमिस की क्या है? पेंडिंग। अब कल दो बज चुके हैं और मैं क्लास लेने नहीं आया, तो प्रॉमिस किस स्टेट में चला गया? रिजेक्टेड स्टेट में। मैंने अपने वादे को क्या कर दिया? वायलेट कर दिया। पेंडिंग स्टेट से किस स्टेट में चला गया? रिजेक्टेड। अब दूसरी पॉसिबिलिटी के, कल दो बज गए और मैं क्लास लेने आ गया, तो प्रॉमिस क्या हो गया? फुलफिल्ड हो गया। मैं इसमें केड़ी रॉकेट साइंस है यार। अब जरा सुने, मैं डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक फेच का फंक्शन यूज किया नेटवर्क कॉल करने के लिए। ये बिल्ट इन है कि फेच का फंक्शन क्या रिटर्न करता है? प्रॉमिस रिटर्न करता है। क्यों प्रॉमिस रिटर्न करता है? क्योंकि जाहिर है ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। नेटवर्क ऑपरेशन हमेशा आप क्या करेंगे? एसिंक्रोनस करेंगे। ये याद रख लें, अंडरस्टैंड कर लें। नेटवर्क ऑपरेशन कोई भी होगा उसको क्या रखेंगे आप? एसिंक्रोनस रखेंगे। भाई क्यों एसिंक्रोनस रखेंगे? आपको पता है? पता है नहीं पता कि यू नेवर नो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ब्रिंग द डेटा फ्रॉम द नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना, आपके कंट्रोल में तो अपनी एप्लीकेशन है, तो इट मे टेक टाइम, दैट्स व्हाई यू हैव केप्ट इट। तो अब जरा ये देखें कि जब फेच चलेगा तो क्या फेच नॉर्मल कॉल स्टैक क्यू में चलेगा? नहीं, क्योंकि एसिंक्रोनस ऑपरेशन कॉल स्टैक क्यू में नहीं चलता, वो किधर चला जाता है? वेब एपीआई में। अब फेच किधर चला गया? वेब एपीआई में। ये चल रहा है, बाकी एप्लीकेशन नॉर्मल चल रही है। जब ये फेच कंप्लीट हो जाएगा वापस किधर आएगा? ये माइक्रो टास्क क्यू में। माइक्रो टास्क क्यू क्या आगे क्या होगा? आगे का फ्लो बताएं। टास्क क्यू के साथ एक इवेंट लूप, एक चौकीदार खड़ा है जो किसको देख रहा है? कॉल स्टैक क्यू को देख रहा है। खाली है या अभी उसमें कुछ चीज एग्जीक्यूशन के लिए है? अगर कुछ है तो पहले वो एग्जीक्यूट करेगा। जो ही कॉल स्टैक क्यू खाली होगी तो ये फौरन आएगा, टास्क क्यू से फंक्शन कॉल उठाएगा और किस में रख देगा? कॉल स्टैक क्यू में, और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ आइए बात? तो ये बेसिकली, अब ये प्रॉमिस आप प्रैक्टिकल यूज करेंगे, इसका पीछे वो बिहाइंड द सीन सारी फिलॉसफी आप समझ। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो इसने मुझे क्या कहा है? ये प्रॉमिस की स्टेट क्या है? फुलफिल्ड। तो इसका मतलब है प्रॉमिस की कितनी स्टेट्स होती हैं? अगर लेट्स सपोज अज्यूम करें कि इस नेटवर्क ने 3 सेकंड लिए होते ये डेटा वापस लाने में,
तो 3 सेकंड तक ये किस स्टेट में रहता है प्रॉमिस? पेंडिंग स्टेट में। 3 सेकंड के बाद दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या रिजेक्ट या अगर नेटवर्क में कोई एरर आ जाता है, पॉसिबल है ना, सर्वर डाउन है जी, तो मुझे क्या मिलता? प्रॉमिस की यहां क्या मिलता? रिजेक्टेड। लेकिन अभी सर्वर डाउन नहीं था, एवरीथिंग वॉज ओके, उसने मुझे सक्सेस रिजल्ट दे दिया, तो ये क्या था? फुलफिल्ड। अब असल में मुझे तो फुलफिल्ड नहीं चाहिए भाई, मुझे तो डेटा चाहिए। तो प्रॉमिस में से डेटा निकालने का जो तरीका है वो अब सुनिएगा जरा। फेच, इसके बाद एक और फंक्शन लगता है डॉट टी एच ई एन देन। ये याद रखें कि प्रॉमिस में से डेटा निकालने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? डॉट देन। अच्छा, ये डॉट देन क्या है और डॉट क्या है? बेसिकली ये जो आपका फेच है ना और डॉट देन है, ये दोनों फंक्शन है। फंक्शन की कन्वेंशन ये है ना कि फंक्शन का नाम लिखें और फॉरन पैरेंथेसिस डालें, उसमें कोई पैरामीटर है तो वो डाल दें। तो जब आप दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस डॉट के साथ मिला दें तो उसको क्या कहते हैं? फंक्शन चेनिंग। क्या कहते हैं? फंक्शन चेनिंग। तो ये क्या हो रही है? बेसिकली चेनिंग हो रही है। अच्छा, डॉट देन का मतलब ये है कि जब ये प्रॉमिस फुलफिल्ड हो तब देन वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। तब क्या करो? देन वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। तो अब देन क्या लेता है? ये याद रखिएगा, हमेशा ये सिंटैक्स का पार्ट है। देन एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। देन क्या लेता है? एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। और कॉल बैक फंक्शन ऐसे ही होता है ना, एनोनिमस फैट एरो फंक्शन। तो इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आप कोई भी वेरिएबल लिख दें तो ये जो प्रॉमिस है, ये जो कुछ भी रिटर्न करेगा, जो रिस्पॉन्स भी रिटर्न करेगा, वो इस रेस में अवेलेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये खुद करेगा इंटरनली। आई रिपीट, फेच का फंक्शन यूज करेंगे तो फेच का फंक्शन आपको क्या रिस्पॉन्स देगा? एक प्रॉमिस। हमें उस प्रॉमिस का डेटा चाहिए, तो उस प्रॉमिस का डेटा लेने के लिए हम क्या करेंगे? डॉट देन को उसके साथ चेन करेंगे। डॉट देन क्या लेता है? कॉल बैक फंक्शन लेता है। और उस कॉल बैक फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट होता है, नेटवर्क से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो उस आर्ग्यूमेंट में मिलेगा आपको। गॉट इट? अब इस रिस्पॉन्स को मैं यहां कंसोल लॉग करके दिखाता हूं आपको। तो मैं दिखाता हूं res res। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो अब इसने मुझे ये क्या दिया? रिस्पॉन्स दिया। क्या दिया? रिस्पॉन्स दिया। और इस रिस्पॉन्स को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो अब भी मेरे पास डेटा नहीं आया, लेकिन एटलीस्ट इट मेक्स लिटिल मोर सेंस कि मुझे उसने स्टेटस दिया जी कि आपकी जो रिक्वेस्ट थी 200। अच्छा, ये 200 हमेशा सक्सेस का सिंबल है। अगर आपको HTTP स्टेटस को 200, जैसे 404 मिला था ना कल, 404 किसका सिंबल था? नॉट फाउंड का। 200 किसका सिंबल है? सक्सेस का। और यहाँ ओके क्या है? ट्रू है। और बाकी सारी चीज़ें, हेडर, बॉडी, ये एडिशनल चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ी देर बाद, थोड़ा टाइम के बाद पता चलेंगी। बहरहाल, तो इसका मतलब यह है कि मुझे नेटवर्क से जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉमिस में निकल के आ गया। ठीक। अब आप एक और काम करें, लेवल 3। अब जो मैंने काम करना है वो काम करना है रेस डॉट जेसन। नाउ व्हाट इज इट? ये जो जेसन है ना, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करता है? आने वाले डाटा को जेसन में पार्स करता है। आने वाले डाटा को किस में पार्स करता है? जेसन में पार्स करता है। पार्स करने का मतलब कन्वर्ट करता है। अगर वो डाटा किसी और फॉर्मेट में है या वो प्रॉपर जेसन का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जेसन का फंक्शन क्या करेगा? उसको पार्स करेगा टू द जेसन। और अब अगर मैं, अब जाहिर है मुझे कंसोल लॉग तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कंसोल लॉग तो तब था, यानी तब आया था जब मैंने इसके अंदर कंसोल लॉग लिखा था। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस सारे को उठा के डॉट लॉग कर देता हूं, और ये जो है ये काम मुझे यहां पे मिलना चाहिए। ठीक है, इट स्टिल इज नॉट गिविंग, लेट मी सी बाय। अगर आप यहां पे देखें तो इसने एग्जैक्ट यही काम किया हुआ है, फेच डॉट देन, और डॉट देन में रिस्पॉन्स को क्या कर रहा है? जेसन। अच्छा हाँ, अब जो मैं गलती कर रहा हूं क्या, कि ये जो चीज पूरी की पूरी है ये फिर क्या रिटर्न करेगी? प्रॉमिस रिटर्न करेगी। देख लें, जब मैंने ये काम किया कंसोल लॉग में भी, इवन इसको रखा या बगैर लॉग के भी रखेंगे, मैं इसको दोबारा यहां से लॉग खत्म कर देता हूं,
और इसको ये कर दे। तो अब फेच डॉट देन जो रिस्पांस मिला उस रिस्पांस को क्या करो, पार्स कर दो जेसन के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज अगर मैं एंटर करता हूं तो फिर क्या रिटर्न करती है, प्रॉमिस रिटर्न करती है। तो अब फिर मुझे प्रॉमिस के अंदर से कुछ चीज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट देन लगाना पड़ेगा। तो डॉट मैंने पहले बोला है कि आप एक फंक्शन के साथ डॉट लगा के दूसरा फंक्शन यूज करें तो उसे हम क्या कहते हैं, चेनिंग कहते हैं। तो इस चेनिंग में मैं फिर क्या करूंगा, डॉट देन, और देन हमेशा क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन। और इस देन में भी क्या आएगा, कॉल बैक फंक्शन आएगा, और ये और ये। और अब जो भी इस प्रॉमिस से जो भी डाटा निकालेगा वो मुझे कहां रिसीव होगा, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर। तो मैं इसे कह देता हूं जी डेटा, और फिर सॉरी ये कोई भी वेरिएबल नेम है, आप कुछ भी दे सकते हैं, और इसे जाके यहां देता हूं कंसोल डॉट लॉग और डेटा। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि नेटवर्क पे जाओ, डेटा लेके आओ। वो जो डेटा लेके आएगा वो किस फॉर्म में होगा, प्रॉमिस, वो फुलफिल्ड या रिजेक्टेड या पेंडिंग देगा, मुझे उसके अंदर से उसका डेटा निकालना है। मैंने कहा जी डॉट देन जो रिस्पांस है वो लाओ। जब उसने रिस्पांस लाया तो फिर मुझे पता चला कि जी वो जेसन फॉर्मेट में नहीं है। बाय द वे ये जो एक्सियोस और फेच में ये डिफरेंस है कि एक्सियोस इज अ मोर सिंपल, अभी आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है, लेकिन ये स्टेप इंटरमीडिएट हमें रिक्वायर्ड है जेसन फॉर्मेटिंग या जेसन पार्सिंग। तो जो हमें डेटा मिला उसमें हम जेसन पार्स किया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि इस सारे के बाद फिर हमें क्या मिला, प्रॉमिस मिला। तो हमारी मजबूरी है कि फिर हम क्या करेंगे, इसे देन करेंगे, और उस प्रॉमिस ने क्या किया, सॉरी इस देन ने क्या किया, इस प्रॉमिस के अंदर से जो डेटा है वो निकाला और वो आर्ग्यूमेंट में अवेलेबल किया, और वही डेटा मैंने क्या कर दिया, कंसोल लॉक कर दिया। अब अगर ये भी मुझे रिस्पॉन्स रिटर्न करे तो फिर क्या करूंगा, एक और देन लगाऊंगा भाई, फिर क्या करूंगा, एक और देन लगाऊंगा। वो भी प्रॉमिस रिटर्न करे तो फिर क्या करूंगा, फिर देन लगाऊंगा। वो भी प्रॉमिस रिटर्न करे तो फिर क्या करूंगा, देन लगाऊंगा, जब तक मुझे डाटा नहीं मिलता। लेट्स सी अब ये क्या रिटर्न करेगा। अब इसने मुझे प्रॉमिस नहीं दिया, बल्कि अब उसने मुझे क्या दिया, डेटा दिया, और इस डेटा में वो सारे के सारे 20 प्रोडक्ट्स हैं, और वो 20 प्रोडक्ट्स आप देख लें, एक ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करके देख लें, उसमें वही है, कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, प्राइस है, रेटिंग और टाइटल है। मेक सेंस। अब जरा मैं इस सारी चीज को उठाता हूं, इससे आपको दो चीजें पता लगी हैं। एक तो ये कि आप एक्सपेरिमेंट के लिए इस कंसोल को भी यूज कर सकते हैं, कंसोल सिर्फ कंसोल लॉग हेलो के लिए नहीं है, कितनी प्रोडक्टिव चीज है, आप पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, पूरी की पूरी लॉजिक यहां लिख के टेस्ट कर सकते हैं। हमने टेस्ट कर ली, अगर मैं इसे कोड में लिखाता तो आपको समझ उस तरह से ना आती कि आउटपुट क्या आ रहा है और इनपुट क्या जा रहा है। अब मैंने सारे को कॉपी कर लिया और मैं जाता हूं यहां पे, थोड़ी देर के लिए मैं यहां रखता हूं, यहां से मैं अभी थोड़ी देर में हटा दूंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए यहां रखता हूं। नॉर्मली जब ये चेनिंग लंबी हो जाए तो आप इसे क्या कर देते हैं, मल्टीपल लाइंस में ब्रेक कर देते हैं, ठीक। तो अब ये क्या करेगा, नेटवर्क पे रिक्वेस्ट भेजेगा। फेच क्या है, ब्राउजर की वेब एपीआई है, बिल्ट इन है। आपको जब भी नेटवर्क को रिक्वेस्ट करनी है तो आप क्या यूज करें, फेच यूज कर सकते हैं। इससे अच्छे अच्छे तरीके भी हैं, वो अभी जिक्र करते हैं, लेकिन फेच इज द सिंपलेस्ट वे। जी मैंने कैच का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने आज के पूरे लेक्चर में, आज से पहले ज़िंदगी में आपके सामने कभी नहीं, मैंने जब कैच का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया तो आप क्यों कैच पे पहुंच गए डायरेक्ट। मैं आपकी बात बिल्कुल 100% एग्री हूँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दें कि मेरे मुंह से अभी तक कैच का लफ्ज़ सुना है आपने, चाहते हैं तो मैं सारा कुछ मिक्स कर देता हूँ, मतलब बाकी जो बेचारे पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं ना, दे माइट गेट कन्फ्यूज, थोड़ा सा सबर करें, मैं कैच की तरफ आता हूँ उधर। प्लीज, कैच कब यूज होगा, क्यों यूज होगा, कैसे यूज होगा, लेट मी टेल यू, होगा, बिल्कुल यूज होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इस केस में मैंने कैच नहीं किया, और कैच का मकसद क्या है ये भी नहीं बताया, तो इसलिए पहले मुझे ये कंप्लीट कर लेने दें, फिर मैं कैच की तरफ, ठीक है, डोंट माइंड प्लीज, थोड़ा सा वेट करें। तो मैंने कहा जी कि ये नेटवर्क पर जाएगा, और फेच हमेशा क्या रिटर्न करता है, भाई आपको क्या पता प्रॉमिस रिटर्न करता है, मुझे क्या पता प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो ये हम में से किसी को नहीं पता, जिसने ये लिखा है उसने बताया भाई जी कि फेच क्या रिटर्न करेगा। आप फेच की डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, अक्सर आपको पता है ना बिल्ट इन फंक्शंस,
तो आप कोशिश किया करें कि नॉर्मली जो भी नया कॉन्सेप्ट पढ़े उसको गूगल करके थोड़ी बहुत थ्योरी उसकी गेट कर लिया करें, सो दैट यू माइट अंडरस्टैंड इट इवन अ बेटर वे. द फेच एपीआई प्रोवाइड्स अ जावास्क्रिप्ट इंटरफेस फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग पार्ट्स ऑफ द प्रोटोकॉल सच एज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ ग्लोबल फेच मैथड दैट प्रोवाइड्स एन ईजी लॉजिकल वे टू फेच रिसोर्सेज ए सिंक्रोनसली अक्रॉस द नेटवर्क. ये बात आपके काम की है, दैट्स इट. आप इसमें जो लफ्ज यूज हुए हैं ना, जरा वो सुने. ये आपके इंटरव्यू की तैयारी यहां इस तरह से होती है. इट प्रोवाइड्स कौन, ये जो फेच एपीआई है इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है फेच. आप इसके पीछे ये सारा कुछ छोड़ दें, यहां से आगे शुरू करें. फेच मेथड प्रोवाइड्स एन इजी लॉजिकल वे टू फेच रिसोर्सेज. अब आपको पता चला रिसोर्सेज क्या होते हैं. नेटवर्क पे पड़ी हुई कोई एंटिटी जिसकी इंफॉर्मेशन आप गेट करना चाह रहे हैं उसको आप क्या बोल सकते हैं, रिसोर्स. जैसे प्रोडक्ट क्या एक रिसोर्स है, कैटेगरी एक रिसोर्स है, यूजर एक रिसोर्स है, ऑर्डर एक रिसोर्स है. गॉट इट. तो ये क्या करता है, इजी वे टू फेच रिसोर्सेज, दिस इज इंपॉर्टेंट, एसिंक्रोनसली. दैट्स व्हाई इट रिटर्न्स अस अक्रॉस द नेटवर्क. ठीक है. और अब यहां से आप देखिएगा, अनलाइक दिस इज कॉल बैक बेस्ड एपीआई, फेच इज अ प्रॉमिस बेस्ड and provides a better alternative that can easily be used in service worker. Service worker का आपको नहीं पता, सिर्फ ये कह लें कि fetch provides is a promise based. यानी fetch क्या return करता है आपको और promise में से कैसे result निकालना है, कैसे data निकालना है, ये आपको मैं बता चुका हूँ अभी. हम बाकी ये कहानी सारी पढ़ेंगे तो आपको सारी वो theoretical चीज़ें जो मैंने समझाई हैं वो आपको यहाँ से भी समझ आ सकती हैं. Anyways, let's come back to this. अब हमें क्या करना है, important factor. नेटवर्क कॉल कहाँ करनी चाहिए, आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन में नेटवर्क कॉल किस जगह करनी चाहिए और कैसी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए. क्योंकि मैंने आपको बोला है, नहीं बोला शायद, मैंने बोला है कि रिएक्ट में स्टेट को हैंडल करने का एक स्पेशल तरीका है. अब रिएक्ट में एसिंक्रोनस ऑपरेशन करने का भी एक स्पेशल तरीका है. और वो स्पेशल तरीका यह है कि अगर मैं यहाँ पर सिंपली ये कर दूँ, मिसाल के तौर पर यह कर देता हूँ, मैं अगर मैं इसको यहाँ से उठाऊँ फॉर द टाइम बींग, कट करूं और मैं ले जाऊं इसको होम कंपोनेंट के अंदर. क्यों, इसकी रीजन है, एक बताऊंगा बाद में. होम कंपोनेंट के अंदर ले जाऊं और इस होम कंपोनेंट में मैं यहां पे फेच करता हूं और ये जो फेच से वापस आने वाला डाटा है वो मुझे यहां डाटा में मिल रहा है ना, तो इस डाटा को मैं इसी कंपोनेंट में यूज करना चाहता हूं या प्रॉप्स में पास करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस डाटा को जाहिर है जो भी डाटा मुझे लोकल कंपोनेंट में यूज करना है तो पहले जरूरी है कि उसको किस में डालूं, स्टेट में डालूं. तो PRODUCTS प्रोडक्ट्स, चूंकि प्रोडक्ट्स नाम का एक वेरिएबल ऑलरेडी भी है तो मैं इसे क्या करूंगा, प्रोडक्ट्स API कर लूंगा. ठीक है, फिर क्या करूंगा, सेट प्रोडक्ट्स API. अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि मैं चाह रहा हूं कि ये जो नेटवर्क में से आने वाला डेटा है उसको मैं लोकल स्टेट में सेव करूं, कैसे करूंगा, यू स्टेट में. मुझे डिक्टेट करें, मेरा प्रॉब्लम सिनेरियो ये है, मुझे डिक्टेट करें कि मुझे क्या करना है, नेटवर्क से डेटा ला के मुझे लोकल स्टेट में सेव करना है. नहीं, मुझे डिक्टेट करने का मतलब यह है कि एक एक लफ्ज़ बताएं, जी आप लाइन नंबर फ्लाह में जाएं और ये लिखें. यानी ये पास करेंगे, ठीक है, ये ठीक है, पहला स्टेप ठीक बताया उन्होंने. मेरा सवाल सबको समझ आया, अब पता नहीं क्यों इतने अजीब अजीब चेहरे बना के बैठ गए जैसे मैंने को बहुत रॉकेट साइंस पूछ लिए. मैंने कहा जी नेटवर्क से डाटा आ रहा है, कस्में आ रहा है, वो सामने आपके दिख रहा है, मैंने उस डाटा को उठा के लोकल स्टेट में डालना है, दैट्स इट, इतना सा काम करना है. अच्छा, इधर ब्रैकेट हटा के क्या लिख देंगे, डेटा लिख देंगे. ठीक है जी, कितने लोग इनसे एग्री हैं और कितने डिसएग्री हैं, ऑनलाइन वाले आई वुड लाइक योर पार्टिसिपेशन एज वेल. ऑनलाइन आपको मेरा सवाल गालिबन समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से सिंप्लीफाई कर देता हूं. नेटवर्क से डेटा ला के मुझे लोकल स्टेट में सेव करना है, हमजा कैसे करेंगे, हाँ ब्रैकेट्स डाल दें यहां पे, डाटा हटा दें,
ओके सराउंडिंग इनको इस तरह कर लें। ओके कितने लोगों का ख्याल यही है और कितनों का ख्याल ये नहीं है? ये आपकी ना सारी हिस्ट्री और सारी पिछले कारनामे खोलेगा कि कितने पक्के हुए हैं कंसेप्ट आपके और कितनी आपने प्रैक्टिस की है। सिर्फ ये एक छोटा सा सवाल, इतना सिंपल सवाल है कि इससे ज़्यादा सिंपल मेरे ख्याल में मैं पूछ नहीं सकता हूँ। जी नहीं, डेट डजेंट मैटर, जावास्क्रिप्ट की हॉइस्टिंग का फंक्शन है। आप असाइनमेंट बात करें पहले करें, वो खुद उठा के ऊपर ले आता है, ये मसला नहीं है। जी सारे रटू ही बैठे हैं, इसका मतलब है कोई एक शरीफ बंदा तो बता दे आंसर, मुझे समझ आए कि आपको कुछ समझ आ रही है। यार मेरी बात सुने, खुदा दा वास्ता ने मेरी गाल सुनो पहले, तुझे मुझे बताएं कि API में हम रिस्पॉन्स किस शक्ल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यार ये आपके सामने है यार, इसको देख के भी बता सकते, ये रिस्पॉन्स आपके पास किस शक्ल में है? अच्छा ये ऑब्जेक्ट की शक्ल में है? ये अरे है बेटा, ये देख लें, स्टार्टिंग विद अ स्क्वायर ब्रैकेट, इट्स एंडिंग एट द स्क्वायर ब्रैकेट, इट्स एन अरे नॉट एन ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताएं कि जो डेटा मैं सेव करना चाहता हूं लोकल स्टेट में, उसकी शेप क्या है? अरे है, तो मैं इस को इनिशियलाइज कैसे करूंगा? एम्प्टी अरे ना, कि स्टार्ट में इस लोकल वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है? एम्प्टी अरे पड़ी हुई है। अच्छा मैंने एम्प्टी अरे क्यों इनिशियलाइज की है? क्योंकि मुझे पता है कि जो फाइनली डाटा इसमें आना है वो किस शक्ल में होगा? अरे की शक्ल में होगा। पहला पॉइंट समझ आई बात। अब मुझे बताएं कि ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुका है एज एन एम्प्टी अरे। अब जो अरे मुझे रिस्पॉन्स में नेटवर्क से मिलेगा वो मुझे इस लोकल वेरिएबल में डालना है। कैसे डालूं? हाँ सेट प्रोडक्ट यूज करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहाँ यूज करेंगे? दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट, मैंने आपको बेटा सिंपल सी चीज बताई है कि जब भी आपने रिएक्ट में किसी वेरिएबल की वैल्यू को सेट करना है तो यूज स्टेट का सेटर फंक्शन यूज करना है। तो इस केस में यूज स्टेट का सेटर फंक्शन कौन सा है? सेट प्रोडक्ट API। तो ये कहां मारे जाते हैं आपकी, मतलब वो अब अरबाब ने बताया जी कि हम सेट प्रोडक्ट API का सेटर फंक्शन यूज करेंगे लोकल स्टेट की वैल्यू सेट करने के लिए। ये वाला फंक्शन यूज कहां करेंगे जी, कहां सेट करेंगे? देखें ओ भाई ये मैं लॉग कर रहा हूं तो लॉग तो नहीं ना करना, लॉग तो टेस्ट के लिए कर रहा था। ये वाला उठाऊंगा सेट प्रोडक्ट API और कह रहा हूं कि जो नेटवर्क से डाटा वापस आ रहा है उसको किधर डाल दो? सेट प्रोडक्ट API में। नहीं क्यों जी? नहीं अबे खल जा ना तू, फिर वो निशान साहब की तरह आगे पहुंच गया ना, मैं पीछे हूं थोड़ा सा। यूज एफ नहीं यूज करना, कुछ और यूज करना है, लेकिन अभी मैं पीछे हूं थोड़ा सा। मैं खुद पहले क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन बता रहा हूँ, ताकि आप ये ना मैं डायरेक्ट सलूशन बता दूँ तो आपको प्रॉब्लम का पता ही ना हो यार ये किस प्रॉब्लम का सलूशन था। दैट्स व्हाई आई एम इंटेंशनली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फर्स्ट, अदरवाइज मैं डायरेक्ट यहाँ कंसोल लॉग लिखने में सेट प्रोडक्ट्स API कर लेता तो आपको फील ही ना होता कि ये भी कुछ चीज़ समझने वाली है या ये भी कुछ चीज़ ध्यान में रखने वाली है। बड़ा याद रखें कि जब भी आपके पास कोई डेटा मौजूद हो, आपको पता है आपके पास डेटा मौजूद था पहले से, डेटा आपने सिर्फ इस मौजूद डेटा को उठा के लोकल स्टेट में डालना था, भाई उसमें क्या लॉजिक है? एक एम्प्टी वेरिएबल इनिशियलाइज करो एज एन एम्प्टी अरे और जहां आपको डेटा मिल रहा है सेटर फंक्शन के थ्रू डेटा सेट कर दो। मुश्किल काम है कोई? अब क्लियर हो गया या अब भी नहीं क्लियर हुआ? सबको हो गया? तो नहीं नहीं जैसे नॉर्मली अभी भी वैसे ही किया, अभी भी तो हम उस ओरिजिनल रे को म्यूटेट कर रहे हैं ना। देखिए ना, मिसाल के तौर पे मेरे घर में मेहमान आने हैं तो मैं मेहमानों के लिए पहले जगह बनाऊंगा ना। आपके घर मेहमान आएंगे, लेट सपोज 20 मेहमान आएंगे, तो आप पहले 20 मेहमानों की जगह बनाएंगे ना, और वो जगह मेहमानों के आने तक खाली रहेगी ना। तो इसका मतलब आपने एक रूम एलोकेट कर दिया, 20 बंदों की जगह बना दी कि जब मेहमान आएंगे उन्हें इधर बिठाऊंगा। तो ये क्या कर रहा हूँ, मैंने खाली वेरिएबल डिक्लेयर करके जगह बनाई कि ये खाली है, तैयार है, जब मेहमान आएंगे तो इधर बैठेंगे। नहीं तो पहले मैंने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने कहा जी एम्प्टी अरे है, लेकिन मुझे पता है कि जो नेटवर्क से आने वाला रिस्पॉन्स है वो क्या होगा? अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा।
तो जब वो डेटा आएगा तो मैं इस एम्प्टी अरे को फिल कर दूंगा किसके साथ, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, क्लियर है जी। अब ये भी नहीं करना, इससे भी एक स्टेप ऊपर है। अच्छा चले पहले जरा थोड़ा सा एक सॉरी, इसको आउटपुट करके दिखाएं। चले जब मैं यहां आता हूं तो मैं कहता हूं जी लॉग, और लॉग अब ये जाहिर है जब मैंने सेट प्रोडक्ट एपीआई किया तो सेट इसमें हुआ ना, तो मैं यहां पे क्या करूंगा दिस और दिस। तो अब जब मैं इसे रेंडर करूंगा और एक दफा रिफ्रेश करूंगा तो ये देख रहे हैं आ रहा है ना, लेकिन इसमें खराबी क्या है, आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, आता ही चला जा रहा है और सेम डेटा बार बार हो रहा है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट तुसी आके सी ना यूज रेफ यूज करना, यूज रेफ इसलिए कहते हैं ये रिएक्ट का तरीका नहीं है कि आप कोई भी लॉजिक डायरेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना बार बार रिपीट होने वाला रिजल्ट, इस पे आते हैं और इसको फिक्स करते हैं क्यों। तो यहां तक समझ आ गया सबको, ठीक है। अब जरा एक और बात सुने, रिएक्ट में जब भी आपने कोई भी लॉजिक ऐसी परफॉर्म करनी हो जो रिएक्ट ऐप से बाहर की हो, आई रिपीट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, रिएक्ट में जब भी आपने कोई ऐसी लॉजिक परफॉर्म करनी हो जिसके थ्रू आपने ऐप के स्कोप से बाहर जाना हो, मतलब आपने नेटवर्क से डेटा लाना है ना, तो ये विद इन ऐप तो नहीं है ना, ये आपने अपनी ऐप के स्कोप से बाहर जंप किया। और मैंने आपको कहा कि रिएक्ट बेसिकली काम करती है किसकी बेस पे, वर्चुअल डॉम की बेस पे। अगर मैं आपको कहूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी तो क्या आप रिएक्ट ऐप के स्कोप में है? नहीं, क्योंकि आप एक्चुअल डॉम को एक्सेस कर रहे हैं जो कि रिएक्ट ऐप की अपने स्कोप से क्या है, आउटसाइड है। अच्छा अगर आप सिर्फ कंसोल लॉग करते हैं तो आपको पता है कि आप स्टिल डॉक्यूमेंट वाला आप फिर भी स्कोप से किसी न किसी तरह बाहर जा रहे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे कई पीसेस ऑफ लॉजिक हम करेंगे जिनके लिए हमें रिएक्ट ऐप से बाहर जाना पड़े। ये सिंपलेस्ट एवर डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं गारंटी के साथ कि इससे ज्यादा आसान अल्फाज में शायद ही कोई समझाएगा। तो जब भी आप अपनी रिएक्ट ऐप के स्कोप से बाहर जाएं तो ऐसे पीस ऑफ कोड के लिए या ऐसी पीस ऑफ लॉजिक के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है साइड इफेक्ट। क्या है वैसे साइड इफेक्ट, किसको कहते हैं मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में, इस मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट क्या है, नुकसान है। तो इसलिए आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हुए उसकी एक लिमिट का ख्याल रखते हैं ना यार, कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल की तो इसका क्या होगा, साइड इफेक्ट होगा। खैर ये लफ्ज सिर्फ ज़हन में रखें। तो हम ऐसा कोई भी पीस ऑफ कोड या पीस ऑफ लॉजिक लिखते हैं जिसके लिए हमें रिएक्ट ऐप के अपने स्कोप से बाहर जाना पड़े तो उस पीस ऑफ लॉजिक को हम क्या कहते हैं, साइड इफेक्ट। तो एपीआई कॉल फ्रॉम इनसाइड रिएक्ट ऐप इज अ साइड इफेक्ट। Got it or not? Similarly, getting DOM, physical DOM or actual DOM from inside React app is a side effect. समझ आ गई बात? अब जरा ये तो मैंने देसी जुबान में साइड इफेक्ट समझाया ना, अब जरा React की डॉक्यूमेंटेशन में आइए। अच्छा React लोगों को इसलिए मुश्किल लगती है कि लोग इसकी डेप्थ में जाके ये कॉन्सेप्ट नहीं समझते और ऊपर ऊपर से तुक्का लगा के रैंडमली काम कर रहे होते हैं। अगर आपको ये बिहाइंड द सीन्स पता होंगी तो इट बिकम्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। साइड इफेक्ट्स इन रिएक्ट। अच्छा पहले तो गूगल का रिजल्ट पढ़ लें जल्दी। अ रिएक्ट साइड इफेक्ट अकर्स व्हेन वी यूज समथिंग दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ रिएक्ट। मैंने बोल दिया, दो मिसालें दे दी आपको, बाकी मिसाल इधर से देख के देता हूं। सबसे ज्यादा मिसाल यही यूज होगी, आप या डॉम को एक्सेस कर रहे होंगे या आप नेटवर्क को एक्सेस कर रहे होंगे फ्रॉम इनसाइड रिएक्ट ऐप। ये दोनों क्या है, साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। तो आगे देखें, वेब एपीआईज लाइक लोकल स्टोरेज। अच्छा आपको पता है कि आप ब्राउजर के अंदर लोकल स्टोरेज को भी एक्सेस कर सकते हैं, कुछ चीजें आप ब्राउजर की स्टोरेज में भी सेव कर सकते हैं, वो भी क्या है, साइड इफेक्ट है। अगर रिएक्ट के ऐप के अंदर से आप कोई चीज ब्राउजर की लोकल स्टोरेज में सेव कर रहे हैं, वो भी क्या है, तो तीन साइड इफेक्ट आपको पता लग गए हैं, ब्राउजर स्टोरेज को एक्सेस करना, नेटवर्क को एक्सेस करना, डॉम के किसी भी हिस्से को एक्सेस करना, फिजिकल डॉम, सारे के सारे साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है।
इफ यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम हियर इज अ क्विक वर्जन व्हेन टॉक अबाउट साइड इफेक्ट्स. आप मैं रिकमेंड करूंगा कि बेटा कोई ना कोई एक आर्टिकल साइड इफेक्ट के बारे में खुद पढ़ लें, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है. आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और यहां पे देख लें साइड इफेक्ट्स की, एक दो मिसालें दी होंगी उसने. पता नहीं यहां मैंने कहीं देखी थी, अभी मिल नहीं रही, बट आई बिलीव आपको समझ आ गया. जितनी मैंने दी है फिलहाल के लिए इतनी रख लें, आपके लिए काफी. साइड इफेक्ट्स, एनी टास्क और फंक्शन दैट यू परफॉर्म दैट लाइज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द रिएक्ट ऐप. ठीक है, अब रिएक्ट ने हमें एक स्पेशल तरीका दिया है कि अगर आपको साइड इफेक्ट्स करने हैं, भाई करने तो लाजमी है, ऐसा तो नहीं है कि हम रिएक्ट की ऐप में और हमें सर्वर कॉल नहीं करनी या एपीआई कॉल नहीं करनी, करनी तो है. तो रिएक्ट ने एक स्पेशल हुक दिया हुआ है और वो स्पेशल हुक किस काम के लिए, साइड इफेक्ट्स करने के लिए. ऐसे ऑपरेशन जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको लिखने के लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए. यूं समझ लें, टू परफॉर्म द साइड इफेक्ट्स रिएक्ट गेव अस अ स्पेशल हुक दैट इज कॉल्ड यूज इफेक्ट. इन अदर वर्ड्स आप ये कह दें कि यूज इफेक्ट इज अ स्पेशल हुक दैट वी यूज टू परफॉर्म एनी साइड इफेक्ट इन साइड रिएक्ट एप्लीकेशन. तो ये एक साइड इफेक्ट है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंपली जैसे यूज स्टेट है ना, तो आज की एक नई हुक है यूज इफेक्ट. और ये यूज कैसे करते हैं, आप इसको कह लें यूज इफेक्ट. अब जरा आगे सुन ले, यूज इफेक्ट एक फंक्शन है, कोई भी हुक को फंक्शन ही होती है जो स्टार्ट यूज से होती है. ये फंक्शन क्या लेती है, एक कॉल बैक फंक्शन लेती है. ये यूज इफेक्ट की हुक हमेशा क्या लेती है, एक कॉल बैक फंक्शन लेती है. ठीक है, और उस कॉल बैक फंक्शन में आप क्या करते हैं, साइड इफेक्ट परफॉर्म करते हैं. अब आप ये सारा का सारा काम उठा के किधर कर दें, यूज रेफ नहीं भाई जान, यूज इफेक्ट, यूज रेफ का कोई और वर्ड, समझ आ गई बात. तो यूज इफेक्ट इज अ हुक विच वी यूज टू परफॉर्म एनी साइड इफेक्ट इन आर रिएक्ट एप्लीकेशन. अब इस पूरी लाइन को मुझे ड्रिल डाउन करने की जरूरत नहीं है ना, आपको समझ आ गई है कि साइड इफेक्ट क्या होता है. तो अब अगर मैं वापस जाऊं और यहां पे आके अपनी इस ऐप को कंसिडर करूं या लॉग करूं, तो वेन एवर दिस कंपोनेंट गेट्स रेंडर्ड आई नीड दी दिस अरे. मेक सेंस, तो अब मैंने क्या कर लिया, साइड इफेक्ट परफॉर्म कर लिया. अब इसकी अंदर की जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो ऑटोमेटिकली कौन हैंडल करेगा, रिएक्ट हैंडल करेगा. यहाँ तक सबको क्लियर है. अब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसको लॉग से हटा के ये लॉग हटा दूं और इस प्रोडक्ट्स एपीआई को, ये जो प्रोडक्ट्स पे मैप लगा ना, ये प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रहा है, लोकल फाइल से आ रहा है. अब ये कहाँ से आ रहा है, एपीआई से आ रहा है. अगर कंट्रोल एस कर दूं सिर्फ, अब एरर क्या, कोई एरर आया होगा मे बी. सो लेट्स सी व्हाट्स द एरर. या एरर नहीं आया बेसिकली, क्योंकि अब डाटा कहां से आ रहा है, नेटवर्क से आ रहा है. दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग टाइम. इट मे टेक टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम, बट नेक्स्ट टाइम के लिए वो रिजल्ट कैसे हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम के लिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. देर इज नो एरर एंड वी गेट एवरीथिंग एज इट वॉज वर्किंग नॉर्मली. लेकिन अब जो डाटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है. और सर्वर से डाटा या सर्वर को कॉल भेजने के लिए जो लॉजिक हम लिखते हैं वो क्या है, बेसिकली साइड इफेक्ट. और साइड इफेक्ट को हैंडल करने के लिए रिएक्ट का जो तरीका है वो क्या है, यूज इफेक्ट. बस ये समंदर को कूजे में बंद कर दिए कि जी वेन एवर वी परफॉर्म एनी ऑपरेशन दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ अ रिएक्ट ऐप दैट इज कॉल्ड एज साइड इफेक्ट. And in order to perform a side effect inside the React app, we have been given a way that is called as use effect. तो अब कोई भी side effect होगा
अगर आपको मजबूरन वो परफॉर्म करना है तो आप किस में करेंगे? यूज इफेक्ट में करेंगे। अब यूज इफेक्ट की भी एक लंबी कहानी है, साइड इफेक्ट क्लीनअप एक लॉजिक होती है वगैरह वगैरह, बल अभी इतना बहुत है, ठीक है। अब आखिरी बात, जिशान साहब खफा है अभी भी कि जी वो कैच वाली कहानी नहीं बताई आपने, मेरे ख्याल 10 मिनट ऊपर हो गए, लेकिन ये जवाब देना जरूरी है कि उन्होंने, ताकि थोड़ा सा मूड अच्छा रहे कल तक के लिए। ये समझ आ गई ना? अभी तक देखें कि मेरे इस पूरी लॉजिक में कहीं भी एरर नहीं आया, तो ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है भाई। नेटवर्क में एरर तो आना बड़ी कॉमन सी चीज़ है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जो हम लिखें सब कुछ स्मूथ चले। अभी स्मूथ चल रहा है तो मे भी थोड़ी देर बाद ब्रेक कर जाए, तो हमें उन एरर्स को भी हैंडल करना है। तो ये जो डॉट देन की चेन है, डॉट देन डॉट देन डॉट देन डॉट देन डॉट देन डॉट देन, इनमें से इस पूरी चेन में अगर कहीं भी एरर आ जाए तो उसका क्या बनेगा? अभी के लिए तो एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा एरर क्या है। होना तो ये चाहिए ना कि जब एरर आए तो उसको यूजर के सामने प्रेजेंट करो, यार दिस इज द एरर, फिक्स दिस। तो उस काम के लिए जीशान साहब, जब आखिरी देन होता है ना तो उसके बाद कर लेते हैं डॉट कैच। आपको कैसे पता चलेगा कितने देन है? इसका जवाब आप ही के सवाल में है कि जब तक आपको प्रॉमिस मिलता रहे, नहीं, जिसने रट्टा मारा हो उसको रिएक्ट सीखने का कोई हक ही नहीं है। पहली बात तो ये है। इसका जवाब देखिए ना, दो चीजें ना, अभी आप सीख रहे हैं ना, तो यू नो हाउ टू डिबग इट। आप पूरी प्रोग्रामिंग में मुझे कोई एक चीज बता दे जिसको बगैर टेस्ट किए आप कंप्लीट कर सकते हैं। बीइंग अ डेवलपर, आप किसी एक चीज को भी टेस्ट किए बगैर कंप्लीट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेस्ट इट। अदरवाइज जैसे मैं डॉट देन 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 यूज कर करके पागल हो गए आज तक, मुझे तो जुबानी पता है कि कौन से देन में क्या आएगा और कौन से देन में क्या आएगा। तो जब आप 3-4 दफा यूज करेंगे तो आपको नहीं पता लग जाएगा कि यार अच्छा ये देन का बिहेवियर है। तो एक दफा यूज करेंगे तो आपको खामखा वैसे ही फिंगर टिप्स हो जाएगा, डॉट देन प्रॉमिस देता है, ठीक है जी फिर देन लगा लो, इसने भी प्रॉमिस दिया, ठीक है जी फिर देन लगा लो। इसने बेसिकली, इसके पीछे की एक और रॉकेट साइंस है, मैं बहुत ज्यादा डीप डाउन नहीं जाना चाहता। मुझे कुछ स्टूडेंट ने कहा था, सर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना मुश्किल है। एक टर्म होती है कॉल बैक हेल, मैं उसको स्किप करके आया हूं। ये जो प्रॉमिस था ये उसकी रिप्लेसमेंट थी बेसिकली। कॉल बैक हेल नाम से जाहिर है कि हेल कोई बुरी चीज ही होगी, ठीक है ये उसकी इंप्रूवमेंट है, लेकिन ऑब्वियसली कॉल बैक हेल पे चला जाता तो फिर नया कहानी, एक नई डायरेक्शन खुल जाती। बहरहाल एनीवेज यू ऑल शुड बी ओके। इनफैक्ट कॉल बैक हेल किसी दिन बता दूंगा, सिर्फ इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन आए कॉल बैक हेल क्या होता है तो आप उसके जवाब देने के काबिल हो। उसकी थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमने कॉल बैक हेल की तरफ जाने नहीं है, हम डायरेक्ट प्रॉमिस पे आ गए। एनीवेज अगर आपके पास मल्टीपल देन की चेन है तो चेन का आखिरी फंक्शन क्या लिख दें? डॉट कैच लिख दें। अच्छा ये कैच क्या करेगा? पहली बात तो ये कैच भी क्या लेता है? एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। इसमें मैं फिलहाल लिख रहा हूं जी लॉग लिख रहा हूं, और ये जो कैच है ना ये एक फिर एक पैरामीटर लेता है, और उसको आप एरर बोल दें या एरर बोल दें, और इसी एरर को क्या कर दें? कंसोल लॉग कर दें। अब जरा सुनिएगा ये कैच करेगा क्या। ये जो फेच है ना, ये जब नेटवर्क रिक्वेस्ट करेगा डॉट देन डॉट देन डॉट देन, जितने भी देन है आखिर में कैच होगा, इस पूरी चेन में कहीं भी कोई गलती होगी वो गलती ऑटोमेटिकली कैच होकर थ्रो कर दी जाएगी, किसमें? कैच के अंदर कॉल बैक के फंक्शन में, और इस एरर के ऑब्जेक्ट में उस एरर की डिस्क्रिप्शन मिलेगी जो किसी भी देन में आया होगा। मतलब सर्वर डाउन है, रिस्पांस नहीं आया, नल रिस्पांस आया, एम्प्टी रिस्पांस आया, नेटवर्क इस वक्त कुछ भी, जो भी एरर आएगा वो सारा का सारा किधर आ जाएगा? अच्छा सॉरी मैं एमेंडिंग इट, समझ आ गई बात। तो ये कैच क्या है कि अगर पूरे देन की चेन में कहीं भी कोई एरर आएगा वो ऑटोमेटिकली थ्रो होकर किधर पहुंच जाएगा? कैच के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन है उसके अंदर जो पैरामीटर है वहां पे। और सॉरी यस, एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एरर की सारी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। लेट्स सी, मैं लेट मी ट्राई टू रेप्लिकेट इट, अगर ये रेप्लिकेट हो जाता है, अगर नहीं होता तो हम छोड़ देंगे, लेकिन एरर इधर ही आएगा। मैं यहां पे देता हूं जी स्लैश प्रोडक्ट, मैंने गलती से सॉरी जानबूझ के गलती क्रिएट कर ली, क्योंकि एंड पॉइंट असल वाला क्या है? स्लैश प्रोडक्ट्स है, मैंने इसको क्या बना दिया? प्रो
तो इसका मतलब एरर आ जाएगा ना, लेट्स सी। और एरर आया तो मैंने उस एरर को कहीं यूआई पे शो नहीं किया कि कहां आना चाहिए एरर, कंसोल पे आना चाहिए। तो कैन यू सी दिस, पता नहीं इनमें से कौन सा है, हाँ, फेल टू लोड द रिसोर्स, द सर्वर रिस्पॉन्ड्स विद द स्टेटस ऑफ 404। ठीक, आई गेस वही वाला है। अब हम इस एरर को पकड़ के यूआई में भी शो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दिस माइट नॉट बी द ओनली एरर, और भी बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं जो ऑब्वियसली कहां कैच होंगे, इस कैच में होंगे और यहां लॉग में होंगे। मुझे कोई एक बंदा हिंट दे सकता है कि अगर मैं ये एरर लॉग से उठा के यूआई पर डिस्प्ले करूं, रियलिस्टिक केस तो ये ना, कैसे करूंगा? हाँ, क्या कर दूंगा? ओ भाई, एक नई स्टेट बना लेंगे एरर की, नई स्टेट बना लेंगे एरर के नाम की, और यहाँ आके सेट एरर कर देंगे और ये एरर उसमें डाल देंगे और वो नीचे जाके कहीं यूआई में रेंडर कर देंगे। समझ आई बात ना? ये हम ऐसे ही काम करेंगे जब, लेकिन हमने ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आखिरी डिस्क्लेमर ये है कि हमने एपीआई कॉल्स ऐसे करनी ही नहीं है, ठीक है? तो फिर सर इतना दिमाग क्यों खाया डेढ़ घंटा? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट साइड इफेक्ट्स का। ये तरीका किसी ना किसी जगह पे हम यूज़ ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वक्त सर्वर से डाटा लाने के लिए हम इससे ज़्यादा अच्छा और स्मार्ट वे यूज़ करेंगे, विच इज़ रिकमेंडेड बाय रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6। और दूसरी चीज़, अभी तक आपने प्रॉमिस 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 सुन लिया ना, बहुत आज देख भी लिया ना प्रॉमिस। नॉर्मली इन नॉर्मल केसेस हम प्रोमिस खुद क्रिएट नहीं करते, हम प्रोमिस को कंज्यूम करते हैं। जैसे क्या प्रोमिस हमने क्रिएट किया था? हमें बिल्ट इन किसी फंक्शन ने प्रॉमिस रिटर्न किया था और हमने उस प्रॉमिस को क्या किया, कंज्यूम किया। तो ऐसे भी मवाक़े बहुत एडवांस में जाके आएंगे कि हम प्रॉमिस खुद क्रिएट करें, लेकिन अभी तक हमने प्रॉमिस क्रिएट नहीं किया। आखिरी बात, ये जो प्रॉमिस है ना, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है। इसी प्रॉमिस का एक शुगरी सेंटेक्स है जिसको हम कल देखेंगे, जिसको हम कहते हैं एसिंक एंड अवेट। ठीक, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी का सवाल यहाँ तक है?